हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट अस स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम, और फिर हम किसी भी एक एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। जो एंगल बी है वो हमारे पास 90 डिग्री का है। इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर, इसको ए मान लेते हैं, इसको हम सी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल्ड। यहाँ पर हम एंगल ए और एंगल सी इन दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बारी बारी से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेते हैं। सबसे पहले है साइन ए। हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए साइन ए, जिसको हम पढ़ते हैं साइन ए। सेकंड हमारे पास है कोसाइन ए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोस ए। थर्ड इज टेंजेंट ए, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे टेन ए। नेक्स्ट हमारे पास साइन ए का अपोजिट, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, जो हो जाएगा कोसिकेंट ए, जिसको हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कोसेक ए। फिर कोसाइन का अपोजिट, इसका उल्टा, हमारे पास होगा सिकेंट ए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सेक ए। लास्ट में हमारे पास है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, लास्ट में हमारे पास है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कोट ए, जो टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल होगा, इसका उल्टा होगा। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने से पहले हम इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी साइड हाइपोटेनियस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। तो सबसे पहले पहचान ये है कि 90 डिग्री का जो एंगल के सामने अपोजिट जो साइड होगी वो कहलाएगी हाइपोटेनियस। तो एसी हमारी हो जाएगी हाइपोटेनियस। उसके बाद जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, जिस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारा एंगल लिया हमने ए, उस एंगल के सामने, उस एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड जो बच गई वो क्या लाएगी, बेस, आधार। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन ए। साइन ए ये रेशियो निकालेंगे हम। साइन ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है बी सी, अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पर है ए सी। अब इसको भी याद करने का कि साइन ए बराबर होता है, साइन ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आप लिख देता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये वो एक ट्रिक है जिसको आपने याद करना है। इस ट्रिक को याद करने के बाद आप इन सभी रेशियोज को सेकंडों में बता सकते हो और कभी भी इनको भूलोगे नहीं। ये ट्रिक है, इसको आपने याद करना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, जहाँ पर पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी बेस, एच हाइपोटेनियस। पी को हम यहाँ पढ़ेंगे परपेंडिकुलर, बी हमारा यहाँ पर है बेस, H stands for hypotenuse। तो इस ट्रिक को हमें याद कर लेना।
तो सबसे पहले हमारे पास है साइन, ये जो पेयर बनेगा हमारे पास पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, इसको हम कहेंगे साइन, ये साइन के लिए होगा। सेकंड जो हमारे पास है बी अपॉन एच, ये है कोस के लिए। थर्ड है पी अपॉन बी, ये हो जाएगा टेंजेंट के लिए। यहाँ पर इनको आपने इस तरह से याद करना कि जो फर्स्ट है यहाँ पर पी अपॉन एच, ये है साइन के लिए, साइन एंगल कोई भी हो सकता है यहाँ पर। सेकंड है बी अपॉन एच, ये जो बी अपॉन एच है सेकंड, ये है कोस के लिए। थर्ड हमारे पास है पी अपॉन बी, ये होगा टेंजेंट के लिए। इस ट्रिक को याद करने के बाद इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो हमारा जो पहला रेशियो था वो साइन ए, साइन इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा है बी सी, हाइपोटेनियस है ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, इस तरह से आएगा ये। सेकेंड है कोस ए, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा है ए बी और हाइपोटेनियस हमारा है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। थर्ड है टेंजेंट, टेंजेंट ए, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी। फिर है कोसिकेंट ए या कोसेक ए, ये साइन का उल्टा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, या कह सकते हैं हम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ए सी अपॉन बी सी। फिर है सिकेंट ए, कोस का अपोजिट हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है ए सी, बेस है ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। कोटेंजेंट है या कोट ए हमारा टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारा ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। इस प्रकार से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एंगल के लिए। अब हम ये निकालेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एंगल सी के लिए। अब वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको हम निकालेंगे एंगल सी के लिए। अब यहाँ पर हमारा एंगल है सी, एंगल सी है तो सी के एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब हमारा ए बी बन जाएगा परपेंडिकुलर, पहले ये ए के केस में था बेस, लेकिन अब ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी या सबसे जो बड़ी साइड होगी वो कहलाएगी हाइपोटेनियस, तो ए सी हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड बच जाएगी वो कहलाएगी बेस। तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में होगा, हाइपोटेनियस तो क्लियर है, सबसे जो बड़ी भुजा है जो बिगेस्ट साइड है वो क्या कहलाएगी, या जो 90 के अपोजिट जो साइड है वो कहलाएगी हाइपोटेनियस। आपने परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर लेना है कि जो एंगल है जिसके कोरस्पोंडिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ए बी हमारा है परपेंडिकुलर। तो हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालेंगे, साइन ए, सॉरी साइन सी, साइन सी हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस, ये हो जाएगा हमारा ट्रिक जिसको हमें याद रखना है। साइन सी, साइन के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेनियस ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी। नेक्स्ट है कोस सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है हमारा बी सी, हाइपोटेनियस है ए सी। टेंजेंट सी, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा है ए बी, बेस है बी सी। फिर नेक्स्ट है कोसिकेंट ए, सॉरी कोसिकेंट सी, कोसिकेंट सी वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ए सी अपॉन ए बी।
फिर सिकेंट सी वो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है ए सी, बेस है बी सी, ए सी अपॉन बी सी। फिर है कोट सी, ये हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारा बी सी, बेस हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा है ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी। तो इस प्रकार से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी भी एंगल के लिए आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।